एक्चुअली आई कीम फ्रॉम अ वेरी ऐसा डिफरेंट बैकग्राउंड मैंने इससे पहले सिर्फ कमर्शियल घरों को या फिर काफ़ी बंगलोर्स या टाउनशिप है उस तरीके के प्रोजेक्ट्स किए थे फॉर मी टू डिज़ाइन ऑन दिस इज़ ऑल्सो चैलेंजिंग बिकॉज इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन होते तो इस घर में एक्चुअली uh, uh, ये ना सुरेखा बहन स्पून पैकेजिंग और स्टोन पेस्टिंग का, का काम करते हैं mm. तो जब स्टोन पेस्टिंग का अगर हम देखें काम तो उसको रोशनी और हवा दोनों की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है आ, वो उनका जो पुराना अगर हम घर देखते हैं उसमें एसबेस्टोस का शीट था राइट तो बाहर जितना गर्मी नहीं होता था उतना घर में अगर हम बैठे हैं तो हम बेक हो रहे हैं जैसे उतना टेम्परेचर का वेरिएशन होता है अगर बाहर में 45 डिग्री चल रहा है तो इनका 50 चल रहा है तो इस तरीके का होता था और पूरा टाइम और फिर बारिश में तो वैसे भी आप काम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे फ्लडिंग और लीकेज का दोनों का इश्यू है पानी क्योंकि घर इतने पुराने हैं तो वो उसका लेवल डाउन हो चुका है तो पानी घर के अंदर आना इज़ कॉमन थिंग दूसरा कि घर में गर्मियों के दिन में काम करते ही नहीं हैं दोपहर में लोग तो हम ऐसा चाहते थे कि जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करें जब हम हाउस होल्ड वर्कर की बात करें तो हम चाहते थे कि एक ऐसा एन्वामेंट बिल्ट एन्वायरमेंट मिले ताकि उनका जो काम करने का वर्किंग आवर एक्चुअली हम प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे राइट प्रोडक्टिविटी इज समथिंग वेयर वी आर सेविंग देयर टाइम वो कहीं अच्छी जगह पे ऑप्टिमम कैपेसिटी में यूज़ हो दूसरा चीज़ कि वी आर ऑल्सो थिंकिंग कि हम इनके बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं क्योंकि प्रोडक्टिविटी इन अ वे हम थोड़ा सा पैसे के तरफ भी जाता है कि इनकम जनरेशन का क्या हो रहा है इनकम का कैसा ग्रो ग्रोथ हो रहा है तो सुरेखा बहन वॉज ऑलवेज लाइक कि मेरे को चार बहने को इकट्ठा करना है मुझे अपना बिजनेस उस तरीके से बढ़ाना है तो आई केप्ट इन माइंड कि उनको अगर बहनों को इकट्ठा करके घर पे काम कराना है तो उस तरीके के मैं मैं चीज़ें प्रोवाइड करूँ जैसे फॉर्ज से कि उनका स्पून पैकेजिंग का काम होता है तो उनके 200 किलो का मटेरियल आता है जो रास्ते पे उतरता था अभी तक अभी नाउ आई हैव गिवन अ स्टोरेज ऐसा प्री फेब्रिकेटेड वाला तो देअर शी कैन केप्ड वहाँ पे और नीचे में बहनें खुद बैठ के ऐसे साथ में काम करेंगे स्पून पैकेजिंग का हो या स्टोन पेस्टिंग का उस तरीके से हमने चीजें डि, डि, डिसाइड की पहले शायद वो दो महिलाओं के साथ काम करते थे अभी शायद चार या छः महिलाएं इकट्ठा होंगे और उस तरीके से अपना बिजनेस ग्रो करेंगे आ, दिस इज बेसिकली आ, उनके फैमिली लिए, उनके लिए, उनके के लिए तीन बाय नौ uh, मीटर का ही है जहाँ पे एक बेसिकली एक रूम होता है जनरल अगर हम देखें तो इसमें uh, चीज़ें सेटअप करना इज़ ऑल्सो बहुत बड़ा टास्क का यहाँ पे हमने किचन और एक रूम रखा था पर प्रॉब्लम ये था इस घर में कि हम ना इस साइड विंडो दे सकते थे ना उस साइड दे सकते थे ना पीछे दे सकते तो एक दूसरा ऑप्शन हमारे लिए ये बचा था कि रूफ अभी रूफ़ में ऐसी क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे घर में दिन भर लाइट लगे आई ऑल्सो केम टू नो अबाउट टर्बो वेंटिलेटर तो आई थॉट कि लेट्स डू इट कि ये भी एक एक्सपेरिमेंट होगा तो आई आई टोल देम कि मैं अभी तीन रख रही हूँ फिर हम काम करते वक्त देखेंगे कि यहाँ पे दो दे पाएंगे या तीन नाउ द अभी इतना रोशनी है ना कि यहाँ पे आई थिंक उनको कभी लाइट लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा अनर एंटिल वो शाम नहीं है डार्क नहीं है बाकी आप पूरा दिन आओगे तो इतना ही रोशनी इतनी क्लियर नेचुरल लाइट में आप काम कर सकते इवन uh, मतलब सुरेखा बहन के साथ उनकी जो बेटी है वो भी काम करती है स्टोन पेस्टिंग की तो उसको तो एक्चुअली चश्मा है तो वो वेन वी स्विच ऑन द वो अपना बल्ब या ट्यूबलाइट ना वो रिफ़्लेक्ट करता है नेचुरल लाइट में चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं करती है. तो ये चीज़ें ऐसे आ, मतलब उनको उस तरीके से जब हम ड्रजरे की बात कर रहे हैं राइट जब हम वेल well बीइंग और हेल्थ की बात कर रहे हैं तो उस तरीके से भी हमने वो सोचा कि ये रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए हमें ज़्यादा नेचुरल लाइट का सोचना है तो उस तरीके से हमने फिर चीज़ें कवर की इवन ये कॉस्ट कटिंग एक्चुअली दिस डजेंट कंज्यूम इतना पैसा ये चार से छः हज़ार के अराउंड अवेलेबल होता है इसका फिक्सिंग भी इज़ वेरी इजी कि कोई भी मतलब अगर नॉर्मल लेबर को थोड़ा सा स्किल हो तो वो सिर्फ स्क्रूइंग करना है हमें ये एक्चुअली रेडी मटेरियल है बस उसको फिक्स करना होता है और ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है पूरा वो खुद ही घूम रहा है हवा के डायरेक्शन से हवा के फ्लो से वो खुद ही घूमता है तो वेंटिलेशन हवा का भी होता है पर तो ये शेड के होने की वजह से रोशनी भी हमेशा बनी रहती है तो ये चीज़ें थी कि हमने तीनों चीज़ को इनकॉर्पोरेट करने का कोशिश किया था एंड आई फील कि सक्सेसफुली इट इज़ हैपनिंग तो विच इज़ ऑल्सो अचीवमेंट फॉर अस कि हम जो सोचा था वो हो रहा है देख रहे हैं